वेलकम बैक आज हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं जो आपके सी ए पे ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है आज हम बात करेंगे आर्गुमेंट राइटिंग पे आपके एग्जाम के अंदर दो आर्गुमेंट राइटिंग पूछे जाते हैं और हर एक आर्गुमेंट बीस नंबर का होता है तो दैट इज इक्वल टू फोर्टी मार्क्स तो आर्ग्यूमेंट राइटिंग आपकी फोर्टी मार्क्स की आती है आउट ऑफ टू तो चालीस नंबर की आपके आर्ग्यूमेंट राइटिंग है और दो नंबर का आपका पेपर है तो फोर्टी मार्क्स इट्स अ वेरी गुड वेटेज पहली बात तो ये

गिव आर्ग्यूमेंट इन फेवर और अगेंस्ट ऑफ द स्टेटमेंट तो इसका मतलब यह है एक आपको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी जाएगी उस स्टेटमेंट के इन फेवर स्टेटमेंट के इन अगेंस्ट आपको आर्ग्यूमेंट राइटिंग लिखनी है तो दैट इज द चैलेंज हेयर अब आपको यह देखना है कि आर्ग्यूमेंट राइटिंग चालीस नंबर का आता है और आपके एग्जाम में यह क्यों पूछा जाता है टू चेक वेदर कैंडिडेट हैज समस्ड ओपिनियन और नॉट उनके ओपिनियन बैलेंस्ड है या नहीं है क्या कैंडिडेट जो है क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है नहीं कर सकता है ये दो एस्पेक्ट चेक करने के लिए दूसरी चीज हम ये देखते हैं आर्ग्यूमेंट राइटिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पर आर्ग्यूमेंट राइटिंग पूछी गई है ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए कि, कि किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं क्या होता है

तब आपको ये लगेगा कि मैं गलत करके आया आयलेस एनटिल यू डू नॉट नो कि आर्ग्यूमेंट राइटिंग कैसे करते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए राइट सो लेट्स फाइंड आउट आउट्यूमेंट राइटिंग में किस हिसाब से आपको चीजों को अप्रोच करना चाहिए सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के आपको एक आर्ग्यूमेंट राइटिंग का टॉपिक सिलेक्ट कैसे करना है ये तो आपके सामने वैसे ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि दो टॉपिक आपको मिलते हैं उन टॉपिक्स के अंदर यू विल नॉट गेट अ चॉइस

या फिर कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने पड़ेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा इज रियली इंपॉर्टेंट रियलीग्यूमेंट राइटिंग में सम सेज दैट कि डेटा इज नॉट इंपॉर्टेंट बट आई से डेटा डेटा इज इज इंपॉर्टेंट फैक्ट इंपॉर्टेंट रियल केस स्टडीज आर इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स अगर आपको याद है तो आप उनको कोट कर सकते हो तो आर्ग्यूमेंट राइटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट यू नीड यू नीड टू हैव समथिंग सब्सटांशियल सो दैट आपका आर्ग्यूमेंट जो है

किस तरह के आर्ग्यूमेंट राइटिंग आपके एग्जाम में आते हैं पहला है क्वेश्चन फॉर्मेट हालांकि एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन फॉर्मेट का कोई भी आर्ग्यूमेंट राइटिंग नहीं पूछा है क्वेश्चन फॉर्मेट का मतलब है इंटेरोगेटिव दिया जाता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर आपको आर्गुमेंट राइटिंग करनी पड़ती है इन फॉर एंड अगेंस्ट ऑफ द स्टेटमेंट बट सी एप एफ एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन फॉर्मेट में आर्गुमेंट राइटिंग नहीं आया है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये है आपको एक स्टेटमेंट फॉर्मेट दिया जाता है और वो स्टेटमेंट कई बार आपकी नेगेटिव होती है विद द नेगेटिव कॉनोटेशन और विद द नेगेटिव मीनिंग अटैच्ड टू इट दूसरी जो आपको स्टेटमेंट दी जाती है सम टाइम्स दैट स्टेटमेंट कैरीज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन तो ये मैक्सिमम इन दो के बीच में यूपीएससी आपसे पूछता है द वन स्टेटमेंट व्हिच हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन एंड अदर स्टेटमेंट व्हिच कैरीज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन बट वी हैव विटनेस्ड रिसेंट ट्रेंड दो हज़ार के बाद से शुरू हो चुका है जहां पे आपको डगल, की स्टेटमेंट मिलती है अगर स्टेटमेंट जो है 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 उसके अंदर डबल डबल नेगेटिव नेगेटिव ठीक और स्टेटमेंट के अंदर जब भी डबल नेगेटिव होगा तो उस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होगा पॉजिटिव होगा ये ध्यान रखो नेगेटिव कॉनोटेशन अगर एक ही बार है तो वो तो समझ में आ रहा है कि वो नेगेटिव मीनिंग होगी पॉजिटिव का समझ आ रहा है पॉजिटिव मीनिंग होगा लेकिन डबल नेगेटिव

जैसे एजुकेशन पे क्वेश्चन पूछता है इस साल भी क्वेश्चन आया था एजुकेशन पे ठीक है इस साल भी एजुकेशन पे क्वेश्चन आया था दिखाऊंगा दो हजार इन द करिकुलम इस हिसाब से क्वेश्चन आया था उसके हिसाब से एजुकेशन पे एक और क्वेश्चन आया था डिजिटल टैबलेट विल रिप्लेस बुक्स एक ही क्वेश्चन आया था आपका उसके साथ टेक्नोलॉजी पे आपके क्वेश्चन आ चुके हैं आर्ग्यूमेंट राइटिंग में टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ चुके हैं उसके साथ साइंस पे क्वेश्चन आ चुके हैं पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन आ चुके हैं जैसे पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन आया था आपका प्राइवेसी इज एन अलीटेस्ट आइडिया और पॉलिटिक्स पे और भी क्वेश्चन आया था पॉलिटिकल अवेयरनेस इज इन कॉन्सिक्वेंशियल अमंग सोशल अलीट ये पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आया था एनवायरमेंट से क्वेश्चन आ चुका है आपका से आपका आर्ग्यूमेंट राइटिंग में क्वेश्चन आता है आ चुका है मैं दिखाता हूँ आपको सोसाइटी में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके अंडर दिस आर्ग्यूमेंट राइटिंग तो ये मेन थीम है आपकी इनको आप प्रिपेयर कर लो एजुकेशन टेक्नोलॉजी साइंस पॉलिटिक्स एनवायरमेंट एंड सोसाइटी अब मैं आपको प्रिवियसर क्वेश्चन दिखाऊंगा जहाँ पे उन प्रिवियसर क्वेश्चन को मैं इन ब्रॉडर हेडिंग के अंदर लिखने की कोशिश करूंगा कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन एजुकेशन फील्ड से है ये टेक्नोलॉजी से है ये आपका साइंस से है ये पॉलिटिक्स से है ये सोसाइटी से है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहले 2024 के अंदर लुक एट दिस 2024 के अंदर ये दो क्वेश्चन आपके सामने आता है पहला क्वेश्चन है क्लासिकल लिटरेचर शुड बी अ कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम अब ये किसका है इसकी थीम मैं बताऊं तो इट कम्स फ्रॉम एन एजुकेशन थीम ये आपका एजुकेशन थीम से आता है कि क्लासिकल लिटरेचर जो है ये आपके कंपोनेंट बनना चाहिए जो आपका स्कूल करिकुलम भी हो सकता है या फिर आपका कॉलेज करिकुलम भी हो सकता है कोई भी करिकुलम हो सकता है तो जब आप इसके सपोर्ट में लिखोगे क्लासिकल लिटरेचर अगर हम करिकुलम का पार्ट बना दे तो क्या होगा यू विल जैसे स्टूडेंट्स अगर क्लासिकल लिटरेचर पढ़ेंगे तो विल दे विल बी अवेयर ऑफ अवर हिस्टोरिक पास्ट अवर जो ग्लोरीफाइड कल्चर था एंशेंट कल्चर था उसके बारे में हम जानेंगे वी विल डेवलप अ पर्टिकुलर आई वुड से कैपेबिलिटी सो दैट हम जो है चीज़ों को बारीकी से देख सके बिकॉज दोज लैंग्वेज वुड बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर अस टू डी तो हमारी जो हमारी जो आप देख सकोगे कि नोटिस करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी शायद चीज़ों को इंटरप्रेट करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्लासिकल लिटरेचर हिसाब से हमें फ़ायदा देती है जब हम इसके अगेंस्ट में लिखेंगे तो आप लिख सकते हो कि दिस इज़ एन एरा ऑफ स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी ये जो स्टेम फील्ड है

अगर आप लोग इंडियन सोसाइटी कॉम्प्रीहसिव प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें उसी में हो जाएगी बस आपको वो नॉलेज जो है यूज़ करनी आनी चाहिए आर्ग्यूमेंट राइटिंग के अंडर कि कैसे आर्ग्यूमेंट लिखे जाते हैं आर्ग्यूमेंट को कैसे सपोर्ट किया जाता है कैसे स्टेटमेंट के फॉर एंड अगेंस्ट लिखा जाता है तो हाउस होल्ड सॉरी हाउस वर्क इज द अनपेड लेबर आई वॉन्ट डिनाई इट ये रियलिटी है जो भी uh, आज के टाइम में हाउस वाइफ्स हैं या फिर होम बेकर जिनको बोलते हैं इज फर्स्ट ऑफ एंड दे आर अनका है राधर इन द होम सेटिंग मार्केट एंड अर्न सम मनी जिससे जी डी पी में भी इंक्रीज हो सकता है बट वो क्या कर रहे हैं घर में ही रह के घर में ही सीमित होके दे आर डूइंग ओनली द अनपेड लेबर एंड देट इज नॉट रिकोगनाइज ऑल्सो एंड दे आर समाइम्स अंडरपेड ऑल्सो जो आपकी डोमेस्टिक हेल्प्स होती है जो मेड्स होती हैं जो आपके घरों में काम करती हैं उनको बहुत लिमिटेड और मिनिमम वेजेस मिलते हैं इवन बिलो द मिनिमम वेजेस आल्सो ओके सो हाउस होल्ड दिस हाउस वर्क इज अनपेड लेबर यू विल टेल बट जब आप इसके अगेंस्ट में लिखोगे कि हाउस होल्ड हाउस वर्क इज नॉट अ अनपेड लेबर यू विल टेल कि देयर आर सम इनहेरेंट समिटेड टू इट हमारी जो फैमिलीज हैं वो डिसफंक्शनल होने से बच जाती हैं क्योंकि समटाइम्स व्हेन मैन एंड वुमेन बहुत एस्पिरेशनल दोनों करियर ओरिएंटेड है तो समटाइम्स वी हैव सीन फैमिली बिकम डिसफंक्शनल डायवोर्सेज होते हैं बच्चों की लर्निंग ठीक से नहीं होती बच्चों की अपब्रिंगिंग सही नहीं होती रियरिंग सही नहीं होता तो फैमिली के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं तो फैमिली एज अ यूनिट विल बी डिस्ट्रॉयड उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं बट इफ वन पर्टिकुलर पार्टनर अगर कोई भी मैरिज के अंदर इधर हसबेंड और इधर विमेन uh, जो भी उसमें सेक्रीफाइस करना चाहे अपने करियर का फॉर द इनिशियल टाइम वन ईयर टू ईयर सो दैट फैमिली कुड बी टेकन केयर ऑफ तो उस टाइम पे हम देख सकते हैं कि हाउस वर्क जो है इज नॉट अ अनपेड लेबर इट हैज़ इट्स ओन इनहेरेंट बेनिफिट जो कि लॉन्ग टर्म में आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ गुड रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ फैमिली बॉन्डिंग इन टर्म्स ऑफ यू वुड से सोशल कैपिटल राइट तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी इट इज इट यूट विल नॉट गो इन अ वेन

तो एग्रीकल्चर थीम के अंदर लिखो या फिर एनवायरमेंट थीम के अंदर लिखो दोनों ही आ, ये सूटेबल है क्योंकि जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर फूड सफिशियंसी आई थिंक दिस पर्टिकुलर टॉपिक मस्ट फॉल अंडर एग्रीकल्चर थीम बट एनवायरनमेंट से भी इसको कनेक्ट करेंगे बिकॉज जीएम क्रॉप्स जो हैं दे विल हार्म आवर एनवायरमेंट नो डाउट अबाउट इट अगर इफ दे आर नॉट क्लिनिकली ट्रायल्ड अगर उनका सही ढंग से उनमें लैब वर्क नहीं हुआ है हर एक एंगल को एनालाइज नहीं किया गया है अगर हमने नहीं देखा अगर ये पर्टिकुलर जीएम क्रॉप जो है इतनी ज्यादा सुपीरियर है कि आसपास होने वाली सभी खेती को ये क्या कर देंगे खत्म कर देंगे अगर इस हिसाब से इनकी कैपेबिलिटी है सो वी कैन नॉट अलाउ एनी हाउ फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जीएम क्रॉप इन इन आई वुड से जस्ट गिविंग दीज जीएम क्रॉप दिस सीड्स टू फार्मर्स नॉर्मली विदाउट हैविंग प्रॉपर ट्रायल टू दिस जीएम क्रॉप सीड्स ये नहीं अलाउ कर सकते बिकॉज इसका बहुत ज्यादा रेपोकन है एनवायरमेंट के अंदर हैजार्ड हो जाएगा आपको पता भी नहीं है बिकॉज दीज आर जेनेटिकली सुपीरियर फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन ओवरकम जहाँ पे जो इंडिजीनियस क्रॉप्स हैं उनको ये उगने ही नहीं देगी बिकॉज दे आर मत सुपीरियर तो जीएम क्रॉप आर असेंशियल फॉर फूड सफिशंसी जब आप इस आर्ग्यूमेंट के बारे में लिखोगे यू कैन से दैट के इंडिया जो है इंडिया वॉज अ आजादी के बाद से इंडिया वॉज अ फूड डेफिशेंट कंट्री वी वर इम्पोर्टिंग सर्टन क्वालिटी ऑफ सीरियल फ्रॉम अमेरिका अमेरिका से हम लेके आते थे तो पी एल फोर्टी क्या नाम था उसका तो जीएम क्रॉप्स उस टाइम पे हमने नहीं यूज की हमने क्या यूज किया आफ्टर इंडिपेंडेंस वी यूज द एच वाई वी सीड्स हाईल्ड हाई येराइटी सीड्स वो जीएम क्रॉप नहीं थी लेकिन जीएम क्रॉप आज के टाइम में भी इंडिया में देर इज अ वन पर्टिकुलर जीएम क्रॉप दैट इज ओनली बी टी कॉटन राइट बीटी कॉटन जो कि किसने अप्रूव की है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट तो ये जीईएसी करके है ये क्या करती है दे गिव ओनली द दे दे गिव ओनली देयर एक्सपर्टीज एंड दे ओनली रेकमेंड अप्रूव ये भी नहीं करते हैं दे ओनली रेकमेंड इट दे डू नॉट इवन अप्रूव इट अप्रूव करना किसके हाथ में है सरकार के हाथ में So this particular genetically engineering appraisal committee it only gives an approval. Sorry, uh, a recommendation to the Ministry of Environment and the Ministry of Environment will further give the approval for the GM crops. Okay, so GM crops mean no doubt you can tell that they have the capability. They have a uh, more yield. They have more production. They have, uh, I would say, uh, more climate resilient. Okay, uh, adaptability they have. They can be drought resilient also. They can be flood resilient also.

i would say technological angle of uh, agriculture. we can use precision agriculture. we can use even climate resilient crops. we can use uh, various things so that a food sufficiency can be ensured. we can ensure mechanization. we can ensure in agriculture infrastructure could be boosted. yes, i do so that uh, food sufficiency can be ensured, not through genetically modified crops, but through uh, overall, uh, i would say uh, total overhauling of the agriculture system of any country, right? तो ये मैंने इसके अगेंस्ट में पॉइंट बताए हैं जब आप इसके फेवर में लिखोगे तो आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो कि जीएम्पल इट इज यूज जनरली इन यूरोप इट इज यूज इन श्रीलंका नाउ दे आर फूड प्रोस्पेसो एक्सपोर्टिंग वहां पे भी एग्जाम्पल लिख सकते हो अनदर थिंग इज कैपिटल पनिशमेंट इज फॉर हीनियस क्राइम हीनियस क्राइम सच एज रेप्स क्राइम सच एज मास किलिंग ट okay, तो जो है ये एक डेटर साबित हो सकता है heinous crime का. अभी आप छोटी छोटे बच्चों से चाइल्ड अब्यूज क्या कम हो चुके हैं चाइल्ड मोलेस्टेशन अब्यूज क्या कम हो चुके हैं नहीं कम हुए बिकॉज इज नो अवेयरनेस रिगार्डिंग द दॉक्सको एक्ट पॉक्सो एक्ट से अभी भी अवेयरनेस नहीं है ओके नाउ हीनियस क्राइम कुड बी सेनियस क्या फाइनेंशियल फ्रॉड्स को हम हीस क्राइम बोल सकते हैं टू कैन कॉल के फाइनेंशियल फ्रॉड भी आज के टाइम भाई हीनियस क्राइम से कम नहीं है दस हजार करोड़ रुपए आपके कोई उड़ा के ले जाए देश के ओके इट इज मच मोर डैमेजिंग दैन

सपोज किसी ने थोड़ा सा और आ, ऐसा क्राइम कर दिया जिसकी ग्रेविटी थोड़ी सी ज्यादा हो उसके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट दी दी इन सीन अरेबियन कंट्रीज ऑल्सो वहाँ पे ये सजा होती है तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नी टू अंडरस्टैंडी ऑफ द प्रॉब्लम सेकेंड वी नी टू अंडरस्टैंड ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई भी पनिशमेंट कैसे ही दी जा रही है देर मस्ट बी अटेन देर मस्ट बी अटेन सिस्टम देर मस्ट बी अटेन सिस्टम विच कैन एनालाइज के कौन सी पनिशमेंट के लिए सॉरी कौन से क्राइम के लिए कौन सी पनिशमेंट होनी चाहिए

ओके, सो दैट इज़ नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन दैट इज़ 2022 के अंदर दो क्वेश्चन आए थे क्वेश्चन नंबर वन वॉज वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड अब देखो आप इसके फेवर में लिखोगे तो दुनिया जान की बातें लिख सकते हो कि वीडियो गेम्स कैसे आपके दिमाग को शार्प करते हैं यू कैन टेल अबाउट कि वीडियो वीडियो गेम्स गेम्स के के अंदर अंदर टीम वर्क, मल्टीपल चैलेंजेस एट एवरी स्टेज एंड मेंटल अलर्टनेस तो इसमें आप लिख सकते हो अदर थिंग यू कैन वीडियो गेम्स कैन ऑल्सो एनहांस योर से कैपेबिलिटी ऑल्सो ओके योर कॉगनेटिव एबिलिटी ऑल्सो बिकॉज यू नीड टू रिकॉल ऑफ टाइम्स आपको बहुत सारी चीजें हैं रिकॉल करनी पड़ेंगी कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें आपको कार्ड रिमेंबर करने पड़ते हैं कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें आपको चीजें सोचनी पड़ती है ऑन द स्पॉट यू नीड टू एक्ट डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत बेहतरीन होती है तो यस वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड बट ओवर प्लेइंग ऑफ द वीडियो गेम्स कैन ऑल्सो डिग्रेड योर परफॉर्मेंस ओके वी हैव सीन पीपल हु प्लेज वेरी एडिक्टिव गेम्स वी हैव सीन द ब्रेन गॉट फ्राइड उनका दिमाग फ्राई हो जाता है जब उनका दिमाग फ्राई हो जाएगा तो क्या होगा अनप्रोडक्टिव राइट they would they would witness certain mental health issues even who has said that over playing of video games is a new mental disorders okay so that is a disease so am ye keh raha hai ki video games jo hai mind ko sharp karte but that should be in a limit another is united nation organization has become redundant 2022 ke andar pucha tha reason being russia ukraine war अब United नेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे redundant हो गया 2022 के अंदर पूछा था इसके पीछे कारण ये भी है कि इसमें क्या हो गया था covid 19 के बाद कोविड नाइन्टीन में यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट हैज़ नॉट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इवन डब्लू एच ओ डि नॉट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल डब्ल्यू एच ओ का रोल भी कई बार क्या किया जाता है डाउन प्ले किया जाता है डब्ल्यू एच ओ का रोल भी चैलेंज किया जाता है कि डब्ल्यू एच ओ कुड हैव सेवड मल्टीपल लाइफ इफ दे हैव गि दैट पर्टिकुलर आई वुड से रेड अलर्ट फॉर द कोविड नाइन्टीन लेकिन बहुत देर बाद उन्होंने डब्ल्यू एच ओ ने बोला कि ये जो है पर्टिकुलर वायरस जो है ये बहुत डेंजरस है ये पेंडेमिक का रूप ले चुका है ओके सो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो चुका है सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि चैलेंजेस क्या हैं ग्लोब के व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द ग्लोब चैलेंजेस ऑफ द ग्लोब यू कैन टॉक अबाउट अ सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट पहले कॉन्फ्लिक्स की बात कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्स एस काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट जैसे रशिया एंड यूक्रेन वॉर सेकेंड यू कैन राइट अबाउट इसराइल एंड Palestine issue third you can write about how United Nations organization has become redundant you can talk about what is happening in uh, I would say what is happening in currently in Middle East okay and also in you can talk about what is happening in Iraq, Syria, East ISI and all

और बहुत बड़े स्केल्स पे उन वैक्सीनेशन को बेचने की कोशिश कर रही थी सर्टेन यूरोपियन कंट्रीज टू सम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज सो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम रिटेंडेंट बिकॉज एट द टाइम ऑफ ग्लोबल क्राइसिस दिस इंस्टीट्यूशन दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट कम एट द फोर फ्रंट लाइक लाइक अ बुलवार्क इन अ डिफिकल्ट टाइम्स वो नहीं हो पाया so easily we can directly say that united nations organization has become redundant, but there are multiple areas where un is doing a very good work. there are, uh, like in climate change, uh, uh, mitigation efforts. un is playing a very important role, such as uh, to, uh, i would say, to reduce down the poverty levels in certain least developed countries. un is doing a very important role to basically reduce down the effect of a civil war in certain

2021 के अंदर दो क्वेश्चन आए थे पहला क्वेश्चन बहुत आसान है इसको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इट इज इन न्यूज अगेन इलेक्शन इन स्टेट्स शुड बी बैंड साइमटेनियसली दिस क्वेश्चन कुड बी आस्ट अगेन इन अ डिफरेंट इन अ डिफरेंट वर्ड्स रीफ्रेज करके इसको पूछा जा सकता है आर यू इन आर यू इन फेवर ऑफ होल्डिंग साइमटेनियस इलेक्शन

बहुत सारे टीचर्स प्रोफेसर्स मेडिकल स्टाफ दे आर ओनली यूटिलाइज इन इलेक्शन प्रोसेस सो गवर्नेंस में डेफिसेंट हो जाता है वन वर्क का कॉस्ट बढ़ जाता है अनदर थिंग यू कैन टॉक अबाउट इलेक्शन इन स्टेट शुड भी हेल्थेनियसली सो दैट इसमें आप लिख सकते हो इट विल इट विल ऑल्सो रिड्यूस डाउन द एक्सपेंडिचर इन द इलेक्शन बिकॉज फॉर कंडक्शन ऑफ एन इलेक्शन Uh, multiple times the events to the remotest states of the areas you need to also mobilize the CAPFs also okay but holding a simultaneous election will also cut down this expenditure okay but there are certain inherent inherent issues attached to it if we do elections ek sat karte hai, first of all there is a constitutional uh, first of all uh, obst obstacle is there constitutional अमेंडमेंट हमें करने की जरूरत है बहुत ज्यादा दूसरी हमें ये देखना है कि सर्टेन रीजनल इशूज दे वुड बी सब्स्यूम्ड अंडर नेशनल थीम्स अगर लोकसभा और लोकसभा और आपका असेंबली इलेक्शन एक साथ हो रहा है अगर दोनों इलेक्शन एक साथ हो रहे हैं तो तो जो आपकी नेशनल थीम है सच नेशनल सिक्योरिटी नेशनल थीम है सचस एनवायरनमेंट, नेशनल थीम है कुछ भी नेशनल थीम हो सकती है जो उस टाइम पे बहुत पीक पे है दोज नेशनल थीम्स और दो नेशनल फॉर वर वीर वोरवेलम द लोकल इशूज लोकल इश्यूज को वो खत्म कर देंगे लोकल इश्यूज बहुत हो सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट लोकल इश्यूज कुड़ भी, हाउसिंग इशू लोकल इश्यूज कुड़ भी वाटर इशू लोकल इश्यूज कुड़ भी, ड्रॉट लोकल इश्यूज कुड़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ़ द वीमेन, लोकल इशूज कु

फार्म्स लॉ के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ था इयर लॉन्ग प्रोटेस्ट तो यू कैन राइट अबाउट इट की हाउ फार्मर्स प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड यू कैन टेल टेल्थ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वर वर प्रेजेंट इन फार्मर्स प्रोटेस्ट बिकॉज आपको जस्टिफाई तो करना ही है So, you can mention that different po uh, political parties were, presents, uh, were present in that particular protest, and that was politically motivated to some extent. Even Canada was also supporting from outside, even other countries was also supporting it. You can talk about the toolkit, you can talk about the Rahana controversy, Greta Thunberg controversy, uh, why they were fueling this farmers' protest in India to destabilize the country from inside. You can also talk about the uh, issues of Khalistan, you can talk also talk about the various internal security issues, because there was multiple inputs. From

देर आर मल्टीपल थिंगस ऑल्सो जो कि इसके अगेंस्ट जा सकती है कि दीज आर द जस्ट द रूमर्स गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डाउन प्लेड इट उनको ये बोल के दिस प्रोटेस्ट आर पोलिटिकली मोटिवेटेड गवर्नमेंट ने भी इसको डाउन प्लेड किया गया है इस हिसाब से बोल सकते हो ड्यू टू सम पोलिटिकल रीजन दैट पर्टिकुलर फार्मर प्रोटेस्ट वॉज पोलिटिकली कॉल्ड एज पोलिटिकली मोटिवेटेड अदरवाइज इट वॉज नॉट ओके नेक्स्ट देखते हैं दो हजार बीस के अंदर क्वेश्चन वॉज सोलिटी ड्यूरिंग पैंडमिक इज नॉट अनवेलकम तो इसका मतलब ये है अकेलापन जो महामारी के दौरान जो है वो कोई बुरी बात नहीं है तो इसका मतलब ये है हेयर इट इज अ डबल नेगेटिव स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इट इज़ ऑल्सो नेगेटिव नॉट अनवेलकम का मतलब भी नेगेटिव कॉनोटेशन में आता है तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव बन के पॉजिटिव हो जाएंगे तो वेन यू आर गोइंग टू राइट इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट तो इसका मीनिंग पॉजिटिव है तो आपको फेवर में लिखोगे तो इसका मतलब ये है कि अकेलापन पेंडेमिक के दौरान कोई बुरी बात नहीं है तो आपको इसके फेवर में लिखना है ठीक है When you write in favor of the statement, you need to justify the statement. When you write in against of the statement, you need to nullify this particular statement. We need some hand holding. We need a civil uh, society organization to come into the picture. We need government support. We need public support. We need, uh, I would say, various NGO supports. This is a difficult time, and not every person and family. दे कुड हैव देड हैव ईजली हैंडल द पैंडमिकट देअर ऑन हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर चाहिए था हमें पुलिस फोर्सेज बेहतर चाहिए थे हमें खाना चाहिए था हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए अकोमोडेशन चाहिए था हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए थी तो अगर एवरीबडी वेंट इनवर्ड लुकिंग सब अपने आप के लिए सोचते सेल्फिश हो जाते तो वी कुड नोट वी कुड नाट हैंडल द पैनडमिक सो वेल तो हमा, हमारा बहुत सारी मौतें हो सकती थी इसमें बहुत सारी कजुअल्टी हो सकती थी फैटलिटीज हो सकती थी तो दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक अनदर इज पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द सोशल इज इन कॉन्सिक्वेंशलिट का मतलब पता होगा कि राजनीतिक ज्ञान देश की जो करंट सिचुएशन है विद रिस्पेक्ट टू पॉवर्टी विद रिस्पेक्ट टू अनएम्प्लॉयमेंट विद रिस्पेक्ट टू यू कैन से से द वीमेन विद रिस्पेक्ट टू आई वुड सर्टेन रीजनल इशूज ओके दैट इज कॉल्ड इन पॉलिटिकल अवेयरनेस सोशल एलिट कौन हो गए अमीर लोग इज इन का मतलब है इज मतलब है कि उनको तो ये होती ही है वी आर एक्सपेक्टिंग दैट पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग सोशल एलिट इज इन वी जनरली एक्सपेक्ट दैट पॉलिटिकल अवेयरनेस दैट द सोशल एलिट कैरीज़ द पॉलिटिकल अवेयरनेस तो ये है sometimes you can mention ke political awareness in logo to nahi padta because they are business families. they are not even bothered about what is happening in rural areas, right? so sometimes you can mention about they are not, they are least bothered. they want to spend their time and energy in their own productive work, in their own lavish lifestyles. you can give an example. but both that there are uh, certain uh, ngos are working. there are certain uh, celebrities are there, dignitaries are there, which have given their life.

ऑफ द स्टेटमेंट वो तो फेवर में हो या ना हो आपको तो लिखना ही पड़ेगा कि डिजिटल दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी मे रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर तो ये जो आपका है एजुकेशन से है अंडर एजुकेशन थीम दूसरा टॉपिक जो है होमवर्क शुड बी बैंड एंड द प्राइमरी स्कूल लेवल दोनों ही एजुकेशन से हैं तो मैंने आपको शुरू में बताया था एजुकेशन इंडियन पॉलिटी इससे पीछे जो थे पॉलिटिकल अवेयरनेस इंडियन पॉलिटी में आएगा इंडियन पॉलिटी एनवायरमेंट ठीक है एजुकेशन इंडियन पॉलिटी एनवामेंट इंडियन सोसाइटी ओके और उसके साथ और कौन कौन से आएंगे दो टॉपिक और थे तो ये छः टॉपिक में से बार बार जो है यहीं से रिपीट हो रहा है एक साइंस का था एक टेक्नोलॉजी का था साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो टू सम एक्सटेंट डिजिटल टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में भी डाल सकते हो अलॉन्ग विद इट विद एजुकेशन ऑल्सो ठीक है तो मेनली ये टेक्नोलॉजी का रहेगा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे रिप्लेस कर सकती है बुक्स को विद कंप्यूटर होमवर्क शुड बी बैंड एट प्राइमरी लेवल दैट शुड फॉलो अंडर द एजुकेशन थीम बट डिजिटल टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी वाली थीम में आना चाहिए ठीक है तो ये हो गया बेसिक मैं इसको डिक्टेट नहीं करूंगा ज़्यादा क्योंकि इट इज़ आर द इजी वंस अब आते हैं नेक्स्ट 2018 के अंदर आता प्राइवेसी इज एन अलीटिस्ट आइडिया हाउ कैन यू से दैट प्राइवेसी इज एन अलिटिस्ट आइडिया बिकॉज गरीब आदमी के लिए दो वक्त की रोटी ही मिल जाए बिकॉज पीपल आर इवन लिविंग ऑन द फुटपाथ पीपल आर लिविंग इन पीपल्स एक एक घर में दस दस लोग रहते हैं तो प्राइवेसी उनके लिए कुछ है ही नहीं द प्राइवेसी इज एन अलीटेस्ट आइडिया बट अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज रेकनाइज प्राइवेसी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो, right. तो हर एक के लिए प्राइवेसी इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी आई वुड से स्टार्टा से बिलोंग करता है सोसाइटी के रिच है पुअर है कुछ है जो भी है अगर उसकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होती है दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन डायरेक्टली गो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है सो दैट उसके प्राइवेसी जो है वो सेफ की जा सके सो प्राइवेसी इज एन अलीटेस्ट आइडिया बोल सकते हो

there is a DNA profiling bill also there is a also uh, DNA का लिख लेना DNA profiling bill there are also a provision of mm, hmm, such as NRC के अंदर National Register of Citizens where you need to mention आप किस रिलिजन से हो किससे नहीं हो ये भी NRC के अंदर था बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर privacy जैसे there was a one particular thing that is uh, अभी याद नहीं आ रहा मुझे एल जीबीटी की राइट्स तो जब सेक्शन थ्री सेवन सेवन जब उसको खत्म कर दिया गया सेक्शन थ्री सेवन सेवन तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि दे हैव देर ऑन प्राइवेसी इन देअर पर्सनल स्पेस वट एवर दे आर डू हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है द स्टेट शुड ऑल्सो डू नाट है इंटरेस्ट इन देअ पर्सनल स्पेस जो भी लोग कर रहे हैं इरेस्पेक्टिव वैदर दू पर्सन वुड बी ऑफ सेम सेक्स और अपोजिट सेक्स तो उन्होंने ये भी बोला तो दैट इज देयर प्रायर देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन आल्सो, राइट तो वहाँ पे आप इसको बोल सकते हो अनदर थिंग इज नॉट बैन इफेक्टिव टूल अगेंस्ट ब्लैक मनी ये आसान है इस पर आप बोल सकते हो आप बोल सकते हो कि डीमोनेटाइजेशन जो है वो ठीक था नहीं था बहुत सारी चीजें बोल सकते हो यू हैव प्लेंटी ऑफ नॉलेज विद दिस पर्टिकुलर विध दिस पर्टिकुलर टॉपिक इसमें मैं नहीं जाऊँगा

इंडिया के अंदर दर इज ए क्रिएटिव इकोनॉमी इंडिया के अंदर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी इंडिया के अंदर टेल अबाउट विद दूसज ऑफ दिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो एंड्रॉय डू बिजनेस इन एनी वे कंट्री ओके एग्रीकल्चर से आता था वो ई एन एम के थ्रू ट्रेडिंग कर सकता है बहुत सारी चीजें कर सकता है जस्ट हैविंग अ पोजेशन ऑफ एंड्रॉयड फॉर अ पॉजिटिव वर्क तो बहुत फायदा हो सकता है देर इज अ वन पर्टिकुलर थिंग कॉल एड टेडेस कोई देखता है इसको नहीं देखता होगा यूथ टेडेक्स नहीं देखता होगा इवन द कोर्सेज ऑफ हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज हारवर्ड यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी बहुत इंडिया के अंदर भी अगर आप यूनिवर्सिटीज़ देखोगे और आई आई टीज देखोगे उनके लेक्चर्स रिकॉर्डिड होके एन पी टी एल पे मिलते हैं एन पी टी ई एल नेपटल जिसको हम बोलते थे इवन ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज आई यूज टू वॉच प्रोफेसर लेक्चर्स यहाँ से मैं देखता था इंजीनियरिंग करते टाइम बट एट द सेम टाइम ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि एंड्रॉय को आप कैसे यूज कर सकते हो पूरी लाइब्रेरी इसके अंदर है पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इसके अंदर है बट दीज एंड्रॉयड मोबाइल फोन इफ दे आर यूज फॉर आई वुड से फॉर अ रॉन्ग रीजन तो ये यूथ के लिए खतरा है इफ दो दीज टेक्नोलॉजी यूज फॉर अ पॉजिटिव थिंग तो इससे इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती इन द अर्लियर टाइम्स आज से बीस साल पहले यू के नॉट इवन इमेजिन इवन दस साल पहले यू नॉट इमेजिन के भाई आपको इन चीजों को सीखना था ये चीज आपको एक काम करनी थी आपको लाइब्रेरी जाना पड़ता था tj was really really uh, restrictive tj was not available things were not available to, but in today's time the tj available and nobody is interested at that particular time was when things were not available people were interested but in current times when things are available people are not interested another thing is power flows from the barrel of the gun that is the second statement it is a uh, it is an ideology given by mao mao says that for the total annihilation of the caste system we need to use we need to resort to the violence अगर हमें पूरे के पूरे कास्ट सिस्टम को हटाना है या फिर पूरा भी जो हमारा सोसाइटी के अंदर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको खत्म करना है तो वी नीड टू तो एंश्योर दैट वी नीड टू एन्श्योर ऑफ यूजिंग सर्टेन पावर और सर्टेन वॉलेंस बिना वॉयलेंस के बिना रेडिकल चेंज मतलब बिना वॉयलेंस के कोई रेडिकल चेंज हमारी सोसाइटी के अंदर आने वाला नहीं है सो पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन दैट इज द प्री रिक्विजिट फॉर एनी काइंड काफ़ रेवोल्यूशन विदाउट वॉयलेंस विदाउट यूज ऑफ फोर्स देर कैन नॉट बी अ रेवोल्यूशन दैट इज द आइडियोलॉजी बाय माओ सो इट इज बेसिकली इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द नक्सलिज्म यू कैन डिस्कस अबाउट द नक्सलिज्म यू कैन डिस्कस अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो दैट इट इज नॉट ओनली द पावर विच फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन ओके देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो द पावर ऑफ अ लिटरेचर द पावर ऑफ एक्सप्रेशन द पावर ऑफ अ सॉफ्ट स्किल्स द पावर ऑफ वेरियस थिंग्स ओके ह्यूमन कैपिटल द पावर ऑफ आई वुड से द करेक्टर द पावर ऑफ अर करिज्मेटिक पर्सनैलिटी ओके तो ये भी पावर होती हैं कुछ हार्ड पावर ही सब कुछ नहीं होती राइट right? तो so, इसको आप इस हिसाब से इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के इन अगेंस्ट में लिख सकते हो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं दो हज़ार सत्रह के अंदर दो हज़ार सोलह के अंदर ये क्वेश्चन आता है इंडिया नीड टू फोकस ऑन इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन रादर देन इंस्टेड ऑफ मियरली इंक्रीजिंग इट्स ग्रोस एनरोलमेंट रेशो ये क्वेश्चन आपका सी में आया है तो सिर्फ ग्रोस एनरोलमेंट रेशो से मतलब है आपने स्कूल कॉलेज में नंबर बढ़ा दिए बच्चों के एडमिशन्स के और आप कोई क्वालिटी एजुकेशन दे नहीं रहे सब एजुकेशन ले लेके जैसे हमने देखा है कि इवन दर इज अ रिपोर्ट बाय नैसकॉम

अनादर इज द ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज विल मेक ओल्ड एज होम्स इन इंडिया इनक्रीजिंग इन नंबर्स आज के टाइम में जो न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई हैं रीजन बिंग कपल्स आर बिकमिंग मोर एस्पिरेशन कपल आर बिकमिंग मोर इनटॉलरेंट विद रिस्पेक्ट टू द नीड्स ऑफ दरअरिटिक नीड्स ऑफ दे पेरेंट्स दे आर नॉट दे आर नॉट टॉलरेंट वो उनमें इतने पेशेंस नहीं है कि अपने बड़े माँ बाप या फिर जो भी पेरेंट्स की वो उनकी नीड्स को फुलफिल कर पाएं बिकॉज दे द पेरेंट्स एट अ सर्टन एज रिक्वायर्स मोर ऑफ अटेंशन ऑफ योर्स आपकी अटेंशन वो चाहते हैं जैसे आप बच्चे थे आप जैसे अटेंशन अपने पेरेंट्स से लेते थे तो ड्यूरिंग ओल्ड एज ऑल्सो द पेरेंट्स ऑल्सो नीड सर्टेन अटेंशन उनको भी अटेंशन चाहिए लेकिन उनको हमेशा से अटेंशन डेफिसिट मिला है हेल्थ uh, उनको आई वुड से सर्विसज भी चाहिए होती हैं उनको बहुत सारी चीज नीड्स होती हैं बट दिस न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट क्या किया है दिस ओल्ड एज पीपल जो है लगभग दे गोज टू द ओल्ड एज होम्स ऑल्सो सरकार ने भी आ, बहुत सारी स्कीम चलाई है ओल्ड एज पीपल्स के लिए कुछ घर जिनके लिए बनाए हैं रहन बसेरा इनके लिए बनाया है बहुत सारी चीज़ें बनाई है जहाँ पर बूढ़े लोगों की सेवा की जा सके यस इट्स अ वेरी आई वुड से इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रेंड टू एब्जोब कि हमारे देश के अंदर ऐसा हो रहा है ओल्ड एज तो हमारी जो हमारे सिस्टम था जो हमारी कल्चर था वो थोड़ा डिस्ट्रॉय होता जा रहा है उसमें कोई भी हम

और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोबल प्राइज उनको मिलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इनोवेश्स वहाँ से आते हैं आइडियाज़ ठीक है छोटी सी पॉपुलेशन तो डिस्पाइट बींग इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन अगर हम ओलंपिक में गोल्ड देखें ठीक है स्पोर्ट्स में गोल्ड देखें इन्वेंशंस देखें इंडिया से बहुत कम है तो दैट शोज के लार्ज पॉपुलेशन इज़ अ मोर ऑफ अ बेन दैन बून जब हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि हमारे लिए प्रॉब्लम है तो कै गिव सर्टन एग्जाम्पल्स बट यू कैन ऑल्सो टेल अबाउट लार्ज पॉपुलेशन इज़ नॉट अ बेन यू वैन यू टेल यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज लाइक यू कैन ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन इज नॉट अ बेन इफ द डेमोग्राफिक डिविडेंट इज़ यूटिलाइज प्रॉपरली दैट डेमोग्राफिक डिविडेंट विल गिव यू पॉजिटिव डायरेक्शन क्योंकि अगर वो डेमोग्राफिक डिडेंट को सही थे, सही से हमने कर लिया तो दैट वुड नॉट बंसिडर एज अ बेन बट इफ दैट पर्टिकुलर विंडो ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंट यूटिज प्रॉपरलीटिकुलर डेमोग्राफिक डिविडेंट वर्न इन टू डेमोग्राफिक डिजास्टर ओके उसके बाद डेमोक्रेसी स्लोज डाउन द पेस ऑफ डेवलपमेंट डू यू अग्री विदेमेंट यस टू सम एक्सटेंट यू कैन से दट डेमोक्रेसी स्लो डाउन द पेस ऑफ डेवलपमेंट वन यू राइटिंग इन फेवर द स्टेटमेंट यूल राइटोक्रेसी देर आर लॉड ऑफ थिंग्स

नेक्स्ट इज 2014 के अंदर क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ जॉब मस्ट टेक प्रायोरिटी ओवर सोशल डेवलपमेंट एंड प्री पोल आर बेटर देन पोस्ट पोल पोस्ट पोल पार्टनरशिप हालांकि ये दोनों क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे जब व्हेन वेन आई डिस्कस इंडियन पॉलिटी थीम ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स मस्ट टेक प्रायोरिटी ओवर सोशल डेवलपमेंट आई डिस्कस इट अंडर इंडियन इकॉनमी जब मैंने इंडियन इकॉनमी थीम को डिस्कस किया था अब इसमें आपको अब ये चीज देखनी है स्टॉप

एनी बैलेंस स्टेटमेंट अंडर आर्ग्यूमेंट राइटिंग उसको ज्यादा प्रायरिटी दी जानी चाहिए क्वेश्चन दिया गया है देखो क्यों प्रीपोल बेटर है किसी भी पोस्ट पोल पार्टनरशिप से हालांकि

तेरा के अंदर सेकंड क्वेश्चन था वीमेन इन इंडिया अनदर क्वेश्चन 2012 के अंदर एफडीआई इन रिटेल इन इंडिया इज अ बेन फॉर स्मॉल ट्रेडर्स जैसे एफडीआई इन रिटेल एफ जैसे वॉलमार्ट आना था वॉलमार्ट इंडिया के अंदर आना था उस वापस चला गया

फॉर्मस एंड कंपनीस विल कम इन टू इंडिया एंड दे विल टेक ओवर द स्मॉल रिटेल्स तो हाँ इससे क्या होगा एक इकोसिस्टम जो बना हुआ था हमारा वो इकोसिस्टम पूरा तबाह हो सकता है तो एफ डी एन रिटेल इन इंडिया इज बेन फॉर इंडिया बट यू कैन ऑल्सो टेल अबाउट इज अ गुड टू समस्टेंट अब मुझे जैसे एक uh, मुझे बताया कि मार्केट यहाँ से पंद्रह मिनट की दूरी पे है बीस मिनट की दूरी पे है राधर देन गोइंग इन द मार्केट फॉर ट्वेंटी मिनट्स एंड कमिंग बैक इन अगेन ट्वेंटी मिनट्स माई फोर्टी मिनट फॉर जस्ट टू ब्रिंग माई टूथपेस्ट आई कुली ऑर्डर इट ऑन द एप्लीकेशन जो कि मुझे वहाँ पर डिलीवर कर जाए आई विल गिव समीमियम टू दैट मैं उसको एक प्रीमियम दूँगा एंड एंड उससे क्या होगा मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा राइट right? तो ये लिख सकते हो कि इट विल सेव द टाइम एंड कॉस्ट

पहले जो ट्विटर होता था उस पर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया आप देखोगे पोस्ट थी इस तरह की पोस्ट थी जो कि डायरेक्टली ट्रंप को फेवर कर रही थी इवन एलन एल वो, मस्क मो डायरेक्टली सपोर्टिंग डोनाल्ड ट्रंप तो आप बोल सकते हो कि एक्स का भी इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ रहा है ट्रंप को जितवाने में ठीक है लास्ट देखते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एन एब्सोलूट राइट एंड ऑल्ड इज गोल्ड दोनों ही स्टेटमेंट एक्सट्रीम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एब्सोल्यूट इंडिया के अंदर भी एब्सोल्यूट नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड अनदर थिंग इज ओल्ड इज गोल्ड वाई ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड यू विल यू नीड टू जस्टिफाई यहाँ पे जो लिखा है आपको सिर्फ जो है डेवलप कार काउंटर आर्ग्यूमेंट टू द फॉलोइंग तो यहाँ पे सिर्फ आपको इनके अगेंस्ट में लिखना था यहाँ पे इसके फेवर में नहीं लिखते ये 2012 के अंदर ऐसा 11 के अंदर ऐसा ही था यहाँ पे सिर्फ आपको इसके अगेंस्ट में लिखना होता था इसके फेवर में नहीं लिखना होता था तो आप इसको आसानी से लिख दोगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है एब्सोल्यूट नहीं है बिकॉज देर इज अ सर्टेन सर्टेन रेस्ट्रिक्शन टू इट आर्टिकल नाइनटीन के अंदर मैंशनड है फॉर नेशनल सिक्योरिटी फॉर पब्लिक मोरालिटी एंड ऑल यू कैन नॉट एक्सप्रेस यूर सेल्फ

पहले चाइल्ड मैरिजेज होती थी अब करते हैं क्या कोई पहले स्लैश एंड बर्म बर्न एग्रीकल्चर होता था ठीक है जूम कल्टीवेशन अब करता है क्या कोई नहीं करता तो ये चीजें आपको ना ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी जो बैड प्रैक्टिस थी जो हम पहले करते थे पहले uh, कभी भी लड़ाई हो जाती थी दो पर्टिकुलर किंगडम्स के अंदर अब करता है क्या कोई नहीं करता तो ओल्ड इज ऑलवेज नॉट गोल्ड यू कैन मैंशन दोज थिंग्स ओके ओके दिस इज ऑल हम्म ठीक है सो दिस इज ऑल गाइज एंड वन क्विक अनाउंसमेंट रिगार्डिंग समाधान फोर पॉइंट जीरो बैच दिस बैच इज वेरी कॉम्प्रीहेंसिव समाधान फोर पॉइंट जीरो बैच में आपको बता देता हूं बहुत कॉम्प्रीहेंसिव है समाधान फोर पॉइंट जीरो बैच इफ एनी बडी वॉन्ट इफ एनी बडी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग पेपर टू इन अ वेरी एडवांस मैनर अगर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है तो यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ इट आप डायरेक्टली इसमें एनरोल ले कर सकते हो कभी भी किसी टाइम भी आप इसको कर सकते हो यू विल गेट एक्सेस टू द रिकॉर्डिंग क्लासेस यू विल गेट एक्सेस टू द लाइव क्लासेस यू विल गेट एक्सेस टू द स्टडी मटेरियल बी इट मैगजीन बी इट करंट अफेयर्स बी इट द क्लास बुक हैंड आउट्स एवरीथिंग विल गेट टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट लाइव क्लासेस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट पीयर टू पीयर सपोर्ट इज ऑल्सो देयर लाइव वेलिएशन विद वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसने टेस्ट लिखा है तो लाइवेशन वुड बी देयर लॉर्ड ऑफ थिंग्स इवन मैं भी बोल रहा हूँ क्या क्या बताऊँ आपको बट दिस इज़ ऑल आई वुड से इफ यू हैव फेथ ऑन योर मैंटर इफ़ यू ट्रस्ट मी इफ़ यू हैव अ जेनवन कोर्स फॉर द स्टडीज इफ यू थिंक जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो जेनुअन है देन ओनली यू कैन कम ओके अगर ये सारी चीज़ें अभी तक मैं ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं कर पाया हूँ देन आई वुड से इट वुड बी माई फेलियर ओनली सो आई ट्राई टू बेसिकली इम्प्रूव ऑन इट सो दिस इज ऑल गाइस थैंक यू बाय बाय